संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा क्षेमधूर्ति का वध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे। फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुःशासन और शकुनी ने दुर्योधन के ही शिविर में वह रात व्यतीत की। सोते समय वे चारों ही पांडवों को दिए हुए कलेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित्त बहुत अशांत हो गया। तत्पश्चात जब सबेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधि के अनुसार अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया और दही, घी, अक्षत, स्वर्ण मुद्रा, गौ, सोना तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर सूत, मागध तथा बंधी जनों ने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त कर युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया? संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े-बड़े गजराजों, रथों, कवच बांधने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सबकी मिली हुई ऊंची आवाज से आसमान गूंज उठा। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी, घोड़े भी सफेद थे, ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तरकस, गदा, कवच, शतग्नि, किंकिणी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यूह के मुख के स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह शूरवीर शकुनी और उल्लू खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ। उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे। उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तों और दक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पिछले भाग में मद्र देशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए।
दाहिने चरण के पीछे राजा सुषेण था, उसके साथ 1000 रथियों और 300 हाथियों की सेना थी। व्यूह की पूंछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्ण ने जब रणांगण की ओर कूच किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही, कर्ण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चे बंदी की है, महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं? धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े-बड़े वीर थे, वे सब प्राय मारे जा चुके हैं, अब थोड़े ही रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ। इस सेना में सूत पुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाबाहो, अब उस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसलिए तुम इच्छा अनुसार अपनी सेना की व्यूह रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युमन तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पंचाल देशीय युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के पहियों की रक्षा में लग गए। शेष वीरों में से जिन्हें व्यूह में जहां स्थान मिला, वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज करने वाले बाजे बज उठे। विजयाभिलाषी शूर वीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर कर्ण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख भूल गए। तदनंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल्ल, क्षुरपर, तलवार, पट्टिश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथों से गिर-गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहां महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ आए। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूर से ही आते देख राजा क्षेम धूर्ति ने, जो स्वयं भी हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते-लड़ते आपस में सट गए, तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बींधना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में क्षेम धूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद डाली। फिर गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के हाथी को बहुत पीड़ित किया। इससे वह भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। क्षेम धूर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से बींध डाला, साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। हाथी उस आघात को न सह सका, वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए और अपनी गदा के प्रहार से
शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। क्षेमधूर्ति भी हाथी से कूदकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। यह देख भीम ने उस पर गदा से चोट की। उसके आघात से क्षेमधूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज, क्षेमधूर्ति कुलूत देश का यशस्वी राजा था। उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी।